हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ओके, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम लोगों का आने वाली मंजिल, हम लोगों का आने वाला बोर्ड के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। हम लोगों को अब डेली का अपना टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट को पूरा करके ही हमें चैन लेना है। जब हम डेली का अपना टारगेट फिक्स करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, तो हमें दिन के अंत में खुशी होगी, हमें हैप्पीनेस होगी कि यार हमने आज का टारगेट पूरा कर लिया, कल के लिए हमारा टेंशन भी नहीं होगा। तो हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और डेली का टारगेट फिक्स करना है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है और हर एक चीज़ पर बराबर फोकस करना है, अपने हेल्थ पर भी, अपने पढ़ाई पर भी, अपने रूटीन पर भी। और जब स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, जब मस्त रहेंगे तभी व्यस्त रहेंगे, जब व्यस्त रहेंगे तभी अच्छे से आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो एक ऐसा है जो एक बड़े ही हेल्दी माइंड से होती है। जब आप खुश मिजाज हों, किसी तरीके का कोई तनाव ना हो, तब आप पढ़ाई में आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। ओके प्यारे बच्चों, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, हमने आपके साथ अपने नॉलेज को शेयर किया था और ये बताया था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा रजिस्टर हों और उनके रजिस्टेंसेज को कंबाइन करना हो किसी सर्किट में, तो आप कंबाइन कैसे करेंगे, सीरीज में कब कंबाइन करेंगे, पैरेलल में कब कंबाइन करेंगे और कब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसके विषय में हमने आपके साथ शेयर किया था। और उसके बाद हमने आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड बताया था आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया था और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। साथ साथ ये भी बताया था कि अगर टू डिफरेंट वाट के बल्ब हैं, जब आप उनको सीरीज में कंबाइन करोगे तो उनकी कंबाइंड पावर क्या आएगी, पी टोटल इक्वल टू पी वन पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू आएगी। जब आप पैरेलल में कंबाइन करोगे तो पी टोटल इक्वल टू पी वन प्लस पी टू आएगी। इस कॉन्सेप्ट तक हम लोगों ने, और फिर आपको ये भी बताया था कि सप्लाई वोल्टेज के साथ कैसे आपका पावर कंज्यूम चेंज हो जाती है, मीन्स आपको रेटिंग पावर बताया था, रेटिंग वोल्टेज बताया था, ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था। अब आज का डिस्कशन हमारा है, सेल क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये डिफरेंट टर्म्स हम लोग बार बार सुनेंगे और मोस्टली न्यूमेरिकल जो है वो सेल से ही रिलेटेड होते हैं, जिसमें कई सेल लगे होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? आपको फिजिक्स बिना टेंशन के कैसे पढ़ो, फिजिक्स कैसे पढ़ो कि फिजिक्स आपको आने लगे, क्या तरीका है, क्या मेथड है, कैसे पढ़ो कि आप फिजिक्स के टॉपर बन जाओ, कैसे पढ़ो कि फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल आने लगे, इसके लिए हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जब उसको सुनेंगे, ठीक ना, लो आ गया आपका फिजिक्स मेंटर, तो उसमें आपको ये सारे मेथड बताए गए हैं, आप उसको जरूर सुनिए और अपने भविष्य को संवारिए और अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनिए। आइए हम आज बात करते हैं सेल के विषय में, बैटरी के विषय में, ईएमएफ के विषय में, इंटरनल रेजिस्टेंस के विषय में, टर्मिनल पोटेंशियल के विषय में, ये सारी बातों का आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। हमारी हेडिंग है ईएमएफ, ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहला टॉपिक हमारा है ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन बच्चों ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक
चार्ज को मूव कराने के लिए प्रोवाइड की गई एनर्जी है, मींस ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं है। तो ये आप फोर्स से एक मिसकॉन्सेप्ट माइंड में मत बैठा लेना कि ये कोई फोर्स होता है। ये बेसिकली यूनिट चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने के लिए सेल के द्वारा प्रोवाइड की गई एनर्जी होती है। हाँ, लेकिन जिस समय ये नाम रखा गया उस समय ज़्यादा हमें जानकारी नहीं थी कि सेल से करंट कैसे फ्लो होता है, सेल के अंदर ईएमएफ कैसे डेवलप होता है, तो उसके मैकेनिज्म के विषय में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। इसलिए इसको जो है ऐसा सोचा गया कि ये कोई फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह दिया गया। बट ये कोई फोर्स नहीं होता है, ये सिंपली एक वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। अभी आगे हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। सेकेंड देखिए, यहाँ पर राइट किया हुआ है वह आपका टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज भी बताएंगे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, अभी आगे इसका भी डिस्कस करेंगे कि सेल के ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं, कौन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसका भी डिस्कशन हम जरूर करेंगे। अगली हेडिंग है इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा नाम से ही क्लियर है, रेजिस्टेंस तो पता है बच्चों आपको ना? हाँ, जरूर पता है, वेरी गुड, अच्छे स्टूडेंट हो। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी सर्किट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया या ऑफर किया गया अपोजिशन या हिंड्रेंस। तो वैसे यहाँ इंटरनल है, तो ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अभी आगे हम डिस्कस इसका करेंगे। तो हमारे थ्री मेन टॉपिक हुए ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ईएमएफ को हम लोग जो है वो एप्साइलन से डिनोट करेंगे, कैपिटल ई से नहीं डिनोट करेंगे, क्योंकि कैपिटल ई से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और वो वाला एप्साइलन नहीं डिनोट करेंगे जो आप परमिटिविटी के लिए यूज करते हो, ई को थोड़ा स्टाइलिश बना देंगे, ई को टेढ़ा कर देंगे, स्टाइलिश ई में डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको ईएमएफ को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाई वन करके, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और आने वाले टाइम में आपको अपना फ्यूचर अपने आप लिखना है, ठीक ना, और आपको आगे बढ़ते जाना है। देखिए स्टेप नंबर वन में हमने ये सेल राइट किया है। अब क्वेश्चन ये होता है सेल क्या है, बैटरी क्या है, सेल को कैसे डिफाइन करें, ठीक है ना, हम ये बात करेंगे। चलो देखते हैं सेल क्या है। देखिए ये कोई एक सर्किट एलिमेंट है। ये क्या है, कोई एक सर्किट एलिमेंट है। मैंने बताया था कि कोई भी सर्किट जिन डिफरेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उन्हें सर्किट एलिमेंट कहते हैं। तो रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, बैटरी है, ये सब सर्किट कंपोनेंट कहलाते हैं या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहलाते हैं। तो देखिए ये कोई एक सर्किट एलिमेंट है, ए बी क्या है, सर्किट एलिमेंट ए बी है, और इसका रजिस्टेंस आर है। ये कोई एक सर्किट एलिमेंट है ए बी, और इसका रेजिस्टेंस आर है। हम चाहते हैं कि इसमें एक स्टडी करंट फ्लो करती रहे। स्टडी करंट तो कांस्टेंट करंट फ्लो करती रहे, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। अगर हम चाहते हैं कि इस सर्किट एलिमेंट में एक स्टडी करंट फ्लो करती रहे ए से बी के डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें ए और बी पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जरा याद करो, जो कॉन्सेप्ट पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर मैंने आपको बताया था, तो उसमें बताया था कि हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, लिक्विड के फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, विंड के फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। वैसे बच्चों चार्ज के कंटिन्यूस फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ए और बी पॉइंट के बीच में हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा।
मीन्स हमेशा ए का पोटेंशियल हाई बना रहे, बी का पोटेंशियल लो बना रहे, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। और जब अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा ए और बी के बीच में, तो आप आई इक्वल टू होता है वी अपान आर, आई इक्वल टू वी अपान आर। अगर ए और बी के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो एक स्टेडी करंट हमें जो है ए से बी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी डिवाइस मेंटेन करे, किस डिवाइस के हेल्प से हम ए और बी के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें। तो उसी का नाम है सेल, उसी का नाम है सेल। क्या सेल? तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, जिसकी वजह से हम एक स्टडी करंट या कांस्टेंट करंट एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मिलती रहती है। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंडक्टर के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट लॉन्ग टाइम तक मिलती रहती है। तो अब अगर हमने क्या किया कि ए और बी, ये दोनों ए और बी, इन दोनों एंड को अगर हम किसी सेल के सेल से कनेक्ट कर दें, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से हमने ए को कनेक्ट कर दिया, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने बी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के यहां तक, देखिए ये कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या, कंडक्टिंग वायर किससे बना होता है, मेटल से मिलकर बना होता है, और मेटल की रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है, मेटल का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। तो यहाँ इस पॉजिटिव टर्म, इसको बोलते हैं सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉइंट ए तक जितने भी पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल पर होंगे, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। रीजन क्या है, V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू क्या होता है आई आर। और ये जो कनेक्टिंग वायर है यहां से यहां तक, इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा अप्रोक्सीमेटली, तो V इक्वल टू आई आर क्या आएगा, जीरो। अब V इक्वल टू आई और R मेटालिक वायर का जीरो होता है, तो V क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के यहाँ पॉइंट ए तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो जो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल इस सर्किट एलिमेंट के पॉइंट ए का आ जाएगा, ये प्लस पोटेंशियल आ गया। अब यही डिस्कशन हम इधर सपोज कर लें, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये एक कनेक्टिंग वायर है जो मेटल का बना हुआ है, मेटल का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, मेटल की रजिस्टिविटी भी वेरी लो होती है। तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का, 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 यहाँ तक का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये निगेटिव है तो ये पॉइंट भी निगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा। पोटेंशियल चेंज केवल यहाँ पर होगा रजिस्टेंस की वजह से। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है वो इसको मिल गया, जो निगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल वो इसको मिल जाएगा। अब जितना इस बैटरी, जितना इस सेल का पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल, यही आपको इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस यही स्टेब्लिश हो जाएगा, ए बी के अक्रॉस यही पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश हो जाएगा। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश हो जाएगा तो इस वायर में करंट आई इक्वल टू वी अपान आर जो है फ्लो करने लगेगी। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस वी मेंटेन रहेगा तब तक आई करंट फ्लो करती रहेगी, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो करंट चेंज होगी। तो एक लॉन्ग टाइम तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, आपको एक स्टडी करंट ए से बी के डायरेक्शन में मिलती रहेगी। तो जो डिवाइस ये काम करती है कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे दो पॉइंट के बीच में, जिससे हमें एक स्टेडी करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में मिलती रहे, उसी का नाम है सेल या बैटरी। तो ओके, अब यहां पर एक करंट जो है ए पॉइंट से एंटर करेगी, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल लो होगा, वी ए इज ग्रेटर देन बी वी। अगर ए के पोटेंशियल को हम वी ए मान लें, बी के पोटेंशियल को बी वी मान लें, तो वी ए ग्रेटर देन बी वी, और ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस वी स्टेब्लिश हो जाएगा, इसकी वजह से कांस्टेंट करंट मेंटेन रहेगी।
तो सेल को डिफाइन करें कैसे करेंगे, अ डिवाइस दैट मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स टू फ्लो अ स्टेडी करंट इज कॉल्ड सेल। इज कॉल्ड सेल मीन्स सेल एक वो डिवाइस होती है, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे, जिससे हमें एक स्टेडी या कांस्टेंट करंट का फ्लो मिलता रहे। ओके ओके आइए हम, तो ये तो रही सेल की डिफिनेशन, क्या ये रही सेल की डिफिनेशन। अब सेल बेसिकली करता क्या है, सेल बेसिकली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सेल बेसिकली करता क्या है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो सेल क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जो जो सेल जिस एनर्जी को जिस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसी के नाम पर सेल का नाम रख दिया जाता है। जैसे देखिए, अगर वो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स अगर आपने जो सेल लिया है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मीन्स सेल जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब उनका हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर कर दे रहा हूँ कि कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन किस में वो कर रहे हैं। तो अगर वो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। यहाँ पर हम आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो बेसिकली उसी का डिस्कशन करेंगे। और जब हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइसेज में पहुँचेंगे तो वहाँ सोलर सेल का है, तो वहाँ आपको सोलर सेल का डिस्कशन करेंगे। दूसरा, अगर वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो उसे हम सोलर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोलर सेल बोलेंगे। तो सेल जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन किस एनर्जी में कर रहे हैं। यहाँ हमारा बेसिकली जो है मतलब है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये केमिकल और ऐसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, इसको हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल में जब सेल इन्वॉल्व होता है तो आपको परेशानी होने लगती है, कई सेल लगे होते हैं तो कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कैसे उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालें, कैसे रेजिस्टेंस निकालें, कैसे करंट निकालें। तो सेल को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये एनसीईआरटी अप्रोच हम चल रहे हैं, फ्यूचर में आपको एक क्लास हम आपको आईआईटी और नीट के लिए अलग से अपलोड कर देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल होता है जो अपने अंदर केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का यूज करता है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं, पेस्ट फॉर्म में, तो वो कहलाएगा ड्राई सेल। जो आप लोग टार्च में यूज करते हो वो ड्राई सेल कहलाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है पेस्ट के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के फॉर्म में यूज किया जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल या स्टोरेज सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट अगर हम सॉलिड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसे हम ड्राई सेल बोलेंगे, अगर लिक्विड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल या उसे हम बोलेंगे स्टोरेज सेल। इनको हम सेकेंडरी या स्टोरेज सेल बोलते हैं। तो आपका लैक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है, लेड एक्युमुलेटर सेल है, जो आपकी कार में सेल हैं, ये जो आते हैं ये सब आपके लेड एक्युमुलेटर में आएंगे। और जब कई सेल का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कंबाइन कर दो तो वो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी कुछ अलग नहीं है, बैटरी इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। क्योंकि एक सेल से तो हमारा काम चलता नहीं, उसका ईएमएफ या वोल्टेज बहुत कम होता है, हम चाहते हैं हमें ज़्यादा वोल्टेज मिले, तो उसके लिए हमें कई सेल को आपस में कंबाइन करना होता है। तो जब हम कई सेल को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में लगा दें जिससे एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, अगले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मिलने लगे, तो जो मिलेगा वो बैटरी कहलाएगा। तो बैटरी इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल।
अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने बताया एक ड्राई सेल हो गया जो आप लोग टार्च में यूज करते हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के फॉर्म होता है। एक आपका जो है स्टोरेज सेल होता है या जिसको आप सेकेंडरी सेल कहते हो, जो आपके कार में है, घर में इन्वर्टर में है, ट्रक में है, इनमें यूज किया जाता है, जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी सेल में आते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये सेल के बेसिकली बनाए कैसे जाते हैं, इनके विषय में इनकी प्रोसेस क्या होती है और इनमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, ये भी तो क्वेश्चन है, तो इसके विषय में बात करेंगे। आओ हम देखते हैं। ये हम एक कंटेनर ले लेते हैं। देखिए ये एक हमारा कंटेनर है, ये वो कंटेनर है जिसमें सेल बनाए जाते हैं। इसको वोल्टामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में सेल बनाया जाता है उसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। तो देखो ये कोई एक कंटेनर है, ये कोई वोल्टामीटर है। इस वोल्टामीटर में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है। आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? देखो भाई ये तो केमिस्ट्री की बात है, बताऊंगा नहीं, लेकिन सुन लो, वह कंपाउंड जिनमें जो जो है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो पॉजिटिव निगेटिव आयंस से मिलकर बने होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं अपने लिक्विड स्टेट में। जैसे NaCl है, H2SO4 है, CaSO4 है, ये सब आपके क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए ये आपका एक वोल्टामीटर हो गया। इस वोल्टामीटर में हमने एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो है फिल कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? यहां पर हमने एग्जांपल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किया है बच्चों, वो हमने H2SO4 का सिलेक्शन किया है। किसका किया है? H2SO4, जिसको आप लोग तेजाब बोलते हो, जो ज्यादातर बैटरी में भरा होता है। तो हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किया है? H2SO4। क्या सेलेक्ट किया है? H2SO4। आपके घर के बैटरी में ज्यादातर यही होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। तो सबसे पहले वोल्टामीटर ले लिया, उसके बाद इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, हमने H2SO4 भर दिया। अब आपको क्या करना है? अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट सुटेबल मेटल सेलेक्ट करते हैं। सेम मेटल नहीं, डिफरेंट मेटल। क्या? डिफरेंट मेटल। दो डिफरेंट मेटल हम लेते हैं। क्या? दो डिफरेंट कंडक्टर ले लेते हैं। मान लो हमने इसको कॉपर ले लिया, इसको जिंक ले लिया। सपोज कर लो हमने इसको कॉपर ले लिया और इसको हमने जिंक ले लिया। दो डिफरेंट मेटल ले लिए या दो डिफरेंट कंडक्टर ले लिए और इनको उठा करके इन्हीं में हम इमर्ज्ड कर देते हैं, डुबो देते हैं। तो डुबो दिया ना, डूब गया। तो दोनों कंडक्टर को हम उठा करके इस इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज्ड कर देते हैं, डुबो दिए। अब ये दोनों कंडक्टर जो डुबो दिए, ये पहला कंडक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको पहला इलेक्ट्रोड बोलते हैं। हाँ, ये दोनों जो मेटल कंडक्टर्स आपने इमर्ज किया है, इन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड बोलते हैं या टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। तो ये दोनों जो कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलाइट में हम डिप्ड करते हैं या इमर्ज करते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं या हम इन्हें टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं बैटरी के? टर्मिनल कहते हैं। आप घर में बैटरी जो देखो उसमें एक रेड टर्मिनल है, एक ब्लैक है, तो इनको टर्मिनल या हम इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसका डायग्राम हमने इस तरीके से शो किया है, NCERT हमने फॉलो किया है, इसलिए NCERT में ऐसा शो किया गया, इसलिए हमने इसको ऐसा शो किया है। पहला वाला इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड ये हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है ये हो गया। अब हमें देखना है कि जब ये कॉपर और जिंक, ये दोनों मेटल को आप इमर्ज कर दोगे, डुबो दोगे, तो होगा क्या? ठीक ना, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, क्या एक्शन होगा, कैसे EMF जनरेट होगा, ये चीज आपको को हम बताने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। अब हमने क्या किया, ये पहला वाला इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड ये है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसमें से कौन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगा जिसको आप एनोड कहोगे, कौन निगेटिव इलेक्ट्रोड बनेगा जिसको आप कैथोड कहोगे। कैथोड का मतलब होता है जो चार्ज कैरियर को सप्लाई करे, और सप्लाई कब करेगा? जब उसके पास होगा, और होगा कब? तो कैथोड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, उसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका सप्लाई वो एक्सटर्नल सर्किट को करता है। तो कैथोड का मतलब इमिटर, इमिटर का मतलब चार्ज कैरियर को सप्लाई करने वाला, और एनोड का मतलब होता है उनको कलेक्ट करने वाला। तो एनोड कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल जो बनता है बैटरी का, कैथोड कहते हैं निगेटिव टर्मिनल जो बनता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इनमें से कौन सी मेटल पॉजिटिव टर्मिनल बनेगी, कौन सी निगेटिव बनेगी, ये
साथ हमें देखना है। अब कापर और जिंक लिया है, आपको पता है कापर और जिंक में कापर आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिंक ले लेगा। मतलब कापर और जिंक की तुलना करें तो कापर जो है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनना चाहेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 18, 1, और जिंक जो है इसके कंपेरिजन में जो है लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर कापर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, एनोड। और यहाँ जिंक क्या बनेगा, निगेटिव टर्मिनल, जिसको क्या कहोगे, कैथोड। तो दोनों इलेक्ट्रोड में से एक जो है पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा। ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे ईएमएफ जनरेट होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। देखिए, ये हो गया कॉपर वाली मेटल, ये हो गई जिंक वाली मेटल, ये H2SO4 भरा है। हमने यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए, एक ए पॉइंट ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने लिया है, जस्ट इस इलेक्ट्रोड के जस्ट बगल में। एक हमने पॉइंट बी ले लिया है, ये इस इलेक्ट्रोड के जस्ट बगल में लिया है। हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ए कंसीडर कर लिया जो जस्ट पहले वाले इलेक्ट्रोड के बगल में लिया है, एक हमने पॉइंट बी ले लिया जो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के बीच में लिया है। अब हमने बता दिया कि यहाँ पर कापर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, इसलिए ये आपका, इसको हम पी लिखे हैं, पी फॉर पॉजिटिव, जिसको एनोड बोलेंगे। और यहाँ पर ये जिंक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, तो इसको हम कैथोड बोलेंगे, इसको हमने एन लिखा है। तो एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा। अब होगा क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखिए, अब देखिए कि ए इस इलेक्ट्रोलाइट और इस जो इलेक्ट्रोड है कापर का इलेक्ट्रोड, इनके बीच में कुछ कुछ होगा। क्या क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होता है। तो आइए देखें क्या क्या होता है, ऐसे इस जिंक में और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में भी कुछ कुछ होता है। आइए देखें क्या क्या होता है। देखिए, इधर देखिए, अब हम स्टेप सेकंड पे आ गए। ये हमारा पहला वाला टर्मिनल है, ये हमारा पहला वाला टर्मिनल है जो आपका कापर का टर्मिनल था, ये कापर वाला टर्मिनल है। अब क्या होगा कि इस कापर वाले कापर, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए कहाँ पर लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लिया है, और ये पहला वाला इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के बीच में कुछ कुछ होगा। कुछ कुछ होने का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, और उस केमिकल रिएक्शन होने से इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के बीच में आयन का एक्सचेंज होगा, चार्जेज का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, मीन्स इस इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट ए के बीच में और फर्स्ट इलेक्ट्रोड के बीच में चार्जेस का एक्सचेंज होगा, और चार्ज के एक्सचेंज होने की वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रोड और पॉइंट ए के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में होगा, बी प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। फिर से सुन लीजिए, पॉइंट ए जो हमने इलेक्ट्रोड का कंसीडर किया है और ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड कंसीडर किया है, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने से इन दोनों के बीच में चार्ज का एक्सचेंज होगा। चार्ज का एक्सचेंज होने से ये फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रोड कापर का है, इसके और पॉइंट ए के बीच में एक पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और वो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस को हम बी प्लस बोल रहे हैं, जो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अभी तक जो ये न्यूट्रल मेटल थी, बाहर इलेक्ट्रोलाइट में डिप करने पर इस पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, और बी प्लस ग्रेटर देन जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब कुछ कुछ हुआ क्या होगा, मैं बता दूं कुछ कुछ क्या होता है। देखिए, ये कापर इलेक्ट्रोड है, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने H2SO4 लिया था। क्या लिया था, H2SO4 लिया था। ये H2SO4 डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, 2H प्लस आयन बनाएगा, SO4 माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा, SO4 माइनस माइनस बनाएगा। और अभी बता था कि कापर इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जिंक के कंपेरिजन में, तो ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों H प्लस इस हाइड्रोजन के पास जाएंगे। देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन इस कापर के पास जाएंगे, और कापर के पास जा करके कापर से दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं ये बेचारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें, नेसेंट हाइड्रोजन,
नेसेंट हाइड्रोजन वेरी रिएक्टिव होते हैं, एक तरह से रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। और कॉपर जो अभी तक न्यूट्रल था, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर सी यू प्लस प्लस आ जाएगा। देखिए पहले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन आते जाएंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। पहला वाला इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एनोड। आप देखिए दूसरा ये एनोड कहलाया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, इसीलिए इसके ऊपर पी लिखा गया है। और ये जो टू नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे ये वेरी रिएक्टिव होंगे, ये रेडिकल होंगे, ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत तेजी से अपना मूव करते रहेंगे। अब अगला देखिए, दूसरा जो इलेक्ट्रोड लिया है ये वाला इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होगा? ये हम जिंक वाले इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिंक वाले इलेक्ट्रोड। अब जिंक वाले इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में भी कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ मतलब वही केमिकल रिएक्शन होगी। अब केमिकल रिएक्शन होने से क्या होगा कि सल्फेट वाले सारे आयन इसके पास आएंगे और जिंक को कहेंगे लो भाई आप हमारा एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है ले लो। तो दो इलेक्ट्रॉन जो SO4 माइनस के पास है ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फेट इनको दे देगा। और देने के बाद अभी ये न्यूट्रल था लेकिन देखो इन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट बी के बीच में और इस इलेक्ट्रोड के बीच में एक निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज मिला, उसको हमने माइनस वी माइनस बोला है, माइनस वी माइनस बोला है। इसकी वैल्यू या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से लेस होगी क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल जीरो से कम होता है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए क्या हुआ, जिंक के पास सल्फर आया, सल्फर ने सल्फेट आया, सल्फेट ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, जिंक पर देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे जितने सल्फेट आयन आते रहेंगे ये नेगेटिव आपका इलेक्ट्रोड बन जाएगा, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। और यहां इलेक्ट्रॉन की भीड़ ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ये चार्ज करियर को सप्लाई करेगा, इसीलिए जो सप्लाई करे उसका नाम एमिटर या कैथोड होता है। तो ये कैथोड बन जाएगा, तो कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। अब आपके इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, और एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, आइए हम इसके बाद बताते हैं कि ईएमएफ कैसे डेवलप होगा। ओके, आपने देखा कि जो है कैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। अब हम देखें कि ईएमएफ को कैसे डिफाइन करें। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम ईएमएफ अब हमें बताना है, देयर इज नो करंट द सेल इज इन ओपन सर्किट, मीन्स जब हम सेल से कोई भी चीज ना कनेक्ट किए गए हों, ना तो सेल से कोई बल्ब कनेक्ट किए हों, ना कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट किए हों, मीन्स सेल आपको ना करंट दे रहा हो ना सेल करंट ले रहा हो, तो हम कहते हैं वो सेल क्या है, ओपन सर्किट में है। जब भी सेल से कोई सर्किट एलिमेंट दूसरा ना कनेक्ट किया गया हो, मीन्स ना तो हम सेल से करंट ले रहे हों ना सेल से करंट दे रहे हों, तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में जो पोटेंशियल यहां का होगा वही यहां का होगा, वही यहां का होगा वही यहां का होगा, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मीन्स जब हम कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं कनेक्ट किए होंगे, हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि हमने कोई भी चीज यहां से कनेक्ट नहीं की है, जब सेल से कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं किया गया होगा तो सेल से ना करंट हम ले रहे होंगे ना सेल को करंट हम दे रहे होंगे, उस केस में सेल ओपन सर्किट में क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट में। जब सेल ओपन सर्किट में होगा उस केस में क्या होगा, जब सेल ओपन सर्किट में होगा तो उस केस में जो पोटेंशियल यहाँ बी पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल ए पॉइंट का होगा। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं कर रही, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो कहीं होगा नहीं, तो ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब हम देखें कि पॉजिटिव टर्मिनल पी के बीच में और नेगेटिव टर्मिनल एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल पी के बीच में और नेगेटिव टर्मिनल एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कब, जब सेल ओपन सर्किट में हो, कब, जब सेल ओपन सर्किट में हो। आइए देखते हैं कितना होगा।
देयर इज नो करंट द सेल इज इन द ओपन सर्किट ईच पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी एट द सेम पोटेंशियल. जब हम सेल से ना करंट ले रहे होंगे ना करंट दे रहे होंगे. जब सेल करंट दे रहा होता है उसका हम यूज कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं सेल डिस्चार्जिंग मोड में है. और जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, उसको करंट हम सप्लाई कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं वो चार्जिंग मोड में है. और जब सेल ना चार्जिंग में हो ना डिस्चार्जिंग में हो, कोई उसमें एक्सटर्नल वायर ना कनेक्ट हो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तो हम कहते हैं वो ओपन सर्किट में है. तो सेल या बैटरी के थ्री मोड होते हैं. एक होता है ओपन सेल ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट. अब ओपन सर्किट में हो क्या, सेल से हम कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट किए होते हैं. क्लोज सर्किट में क्या होता है, सेल से हम कोई डिवाइस लाके कनेक्ट कर देते हैं. क्लोज में भी सेल के दो होते हैं, एक चार्जिंग मोड में एक डिस्चार्जिंग मोड में. जब हम सेल का यूज कर रहे हो वो करंट हमें दे रहा हो तो वो डिस्चार्जिंग मोड में कहलाता है. जब आप सेल को टॉर्च में यूज करते हो जलाते हो तो वो डिस्चार्जिंग मोड में होता है. और जब सेल खत्म हो गया डिस्चार्ज हो गया आप उसको चार्जिंग में लगा दिए तो वो चार्जिंग मोड कहलाता है. तो थ्री केसेज इसमें होते हैं, एक जब सेल ओपन सर्किट में हो, एक जब चार्जिंग मोड में हो, एक जब डिस्चार्जिंग मोड में हो. यहाँ अभी हम मान के चल रहे हैं कि देखिए हमने कोई डिवाइस यहाँ कनेक्ट नहीं की है तो करंट जीरो है. यहाँ बीच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये सर्किट इनकंप्लीट है, ये ओपन सर्किट में कहलाएगा. जब ओपन सर्किट में कहलाएगा कोई करंट नहीं है तो यहां कोई इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं. तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट में जीरो होगा. अब आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन, अब हम पी और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने चल रहे हैं. अब आप देखिए पी और एन के बीच में, पी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, वी प्लस, और एन और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, वी माइनस. अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पी का पोटेंशियल माइनस माइनस आपका एन का पोटेंशियल, तो हो जाएगा वी प्लस माइनस माइनस बी माइनस. एन का पोटेंशियल नेगेटिव में था, इसका पॉजिटिव में था, डिफरेंस निकाल लो तो माइनस करोगे तो हो जाएगा वी प्लस प्लस बी माइनस. ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा. यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है पी और एन के बीच में जब सेल ओपन सर्किट में है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों क्या कहेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल. क्या कहेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल. क्या कहेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल. इसका मतलब हो गया कि जब सेल ओपन सर्किट में हो उससे हम ना करंट ले रहे हो ना करंट उसको दे रहे हो, उस केस में उसके दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही कहलाता है ईएमएफ ऑफ द सेल. तो ईएमएफ ऑफ द सेल की डिफिनेशन क्या हो गई, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल. इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं. किससे डिनोट करते हैं, वो स्टाइलिसी से. किससे, स्टाइलिसी से. ई को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो इसको एप्सिलॉन से पढ़ते हैं. अब ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो गया, ई इक्वल टू वी प्लस प्लस बी माइनस ग्रेटर देन जीरो. ये आपका सेल का ईएमएफ हो गया. क्या हो गया, ईएमएफ हो गया. अब डिफिनेशन क्या हो गई, देखिए डिफिनेशन लर्न करिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. Therefore, in open circuit, the potential difference between the terminals of the cell is called EMF of the cell. Therefore, in open circuit, the potential difference between the terminals of the cell is called EMF of the cell. मतलब क्या हुआ, जब भी कोई सेल ओपन सर्किट में हो तो उसके दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं. मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, डिनोटेड बाय ई. ओके, आइए हम देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी. इसके अब ये क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई फोर्स तो है नहीं. अब गलती मत करना, फोर्स मत, नाम तो फोर्स है, कभी कभी नाम भी गलत रख जाता है ना. तो फोर्स जो है ये नहीं है, ये क्या है, वोल्टेज है. तो सिंस इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस सो एसआई यूनिट इज वोल्ट. ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट. ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट. जब आप टॉर्च वाला सेल ले आते हो तो आप क्या कहते हो, 1.5 वोल्ट का है तो उसका ईएमएफ हो गया. क्या हो गया, आप कहते हो ट्रक की बैटरी 24 वोल्ट की है तो उसका ईएमएफ हो गया. आप कहते हो घर में जो इन्वर्टर बैटरी है 24 वोल्ट की है तो उसका ईएमएफ हो गया. तो इसको, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट. एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट. अब क्वेश्चन उठता है हाउ इट इज मेजर्ड, हम किसी सेल के ईएमएफ को मेजर कैसे करें कि कितने वोल्ट का है. तो इसका दो तरीका है, सुनिए कैसे मेजर करेंगे हम बताते हैं आपको.
सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लाके कनेक्ट कर दो, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लाके कनेक्ट कर दो, तो ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल, ये जो है सेल का ईएमएफ मेजर कर देगा। लेकिन ये जो ईएमएफ मेजर करेगा ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये थोड़ा एक्चुअल ईएमएफ से कुछ स्मॉलर होगा। रीजन क्या है कि हमें ओपन सर्किट में मीटर करना होता है, अब ये क्लोज सर्किट बन जाएगा तो कुछ करंट ये भी वोल्ट मीटर भी चलेगा ना, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो तो ये मीटर करेगा नहीं, ये तो केवल पी और एन के बीच में करेगा। फिर से सुन लो, किसी सेल के दो टर्मिनल के बीच में ईएमएफ को मीजर करने के लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लाके कनेक्ट करते हैं, ये हमने हाई रेजिस्टेंस का, वेरी हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लाके कनेक्ट कर दिया। लेकिन ये मीजर तो करेगा ईएमएफ, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं मीजर करेगा, कुछ उसमें इरर होगी। क्यों इरर होगी ये मैं बता दूं, जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा, करंट जो है इसमें फ्लो होने लगेगी, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर हो जाएगा वोल्ट मीटर के अंदर, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हो जाएगा, उसको तो ये मीजर करेगा नहीं, और वो नहीं मीजर करेगा तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आपकी कम आएगी, क्योंकि ईएमएफ मीजर किया जाता है जब सेल ओपन सर्किट में हो, यहाँ ये क्लोज सर्किट में हो जाएगा। तो किसी हाई रेजिस्टेंस के वोल्ट मीटर से मीजर किया गया जो ईएमएफ है किसी सेल का, वो हमेशा उसके एक्चुअल वैल्यू से कम होता है। जो बच्चे आप में से केबीपीवाई की तैयारी कर रहे होंगे, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की, उनमें ये क्वेश्चन आएगा कि कितने परसेंट एरर होती है। हाँ, आप चाहते हो कि 100% एक्यूरेट मीजर कर लें, बिल्कुल सही से मीजर कर लें, तो आप किसका हेल्प लोगे? पोटेंशियोमीटर का। किसका? पोटेंशियोमीटर का। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम किसी सेल का 100% एक्यूरेट ईएमएफ मीजर कर सकते हैं, लेकिन हाई वोल्ट मीटर से मीजर करेंगे तो 100% एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें कुछ एरर होगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है, चलो ये तो रहा कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या है, ईएमएफ डेवलप कैसे होता है, और अब क्वेश्चन ये उठता है कि ईएमएफ का फंक्शन क्या होता है, ये करता क्या है। अब सुन लो, ईएमएफ व्हाट इज इट्स फंक्शन, ईएमएफ का काम क्या है, किसी सेल के ईएमएफ का क्या फंक्शन होता है, सुनिए हम बताते हैं। आप क्या करिए, इस एक कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यहाँ सेल से कनेक्ट कर दीजिए, ये आपने कोई एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब जब आप बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा, ये पी है पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल हाई है, ये एन है इसका पोटेंशियल लो है, ये ऐसे कहे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भीड़ ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी की ओर चलना शुरू करेंगे, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चलना शुरू करेंगे, और करंट इनके अपोजिट चलेगी, करंट जो है वो पी से एन की ओर चलना शुरू करेगी। तो जब हम किसी सर्किट एलिमेंट को, बल्ब है या हीटर है, इसको ला करके जोड़ देंगे सेल से, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर चलना शुरू करेंगे, और करंट एक्सटर्नल सर्किट में सेल के पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलना शुरू करेगी। अब आप देखिए क्या होगा, यहां से करंट पॉजिटिव से निगेटिव पहुंची, यहां से करंट ये होते हुए यहां पहुंची, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट मानी जाती है, तो करंट इसके अपोजिट में चलेगी। अब जब करंट यहाँ पी से एन आएगी, तो अब एन से के अंदर ये करंट देखिए, ये एन से पी की ओर आएगी, एन से पी की ओर आएगी, तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट एन से पी की ओर फ्लो करेगी, और बाहर सर्किट में पी से एन की ओर फ्लो करेगी। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट जो है वो एन से पी की ओर फ्लो करेगी, और बाहर जो है वो पी से एन की ओर फ्लो करेगी, और जो करंट यहाँ एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगी वही करंट यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करेगी, तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी, जितनी करंट यहाँ एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगी उतनी ही करंट यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करेगी, बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये एन से पी की ओर फ्लो करेगी और बाहर ये पी से एन की ओर फ्लो करेगी। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है,
ये जो एक्सटर्नल सर्किट में इस बल्ब में जो करंट फ्लो करेगी, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को जस्ट फ्लो करेगी, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एन से पी की ओर जो करंट फ्लो करेगी वो आयंस के फ्लो होने की वजह से फ्लो करेगी। तो जो इस इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन होंगे उनके फ्लो होने की वजह से करंट जो है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करेगी, और एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगी। तो दो बातें आप याद रखेंगे, नंबर एक, किसी भी सेल से कोई बल्ब या कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्ट कर देने पर एक्सटर्नल सर्किट में करंट फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट जो है वो कैटायन और एनायन की वजह से फ्लो करती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, जितना एक्सटर्नल सर्किट में होती है उतना इंटरनल सर्किट में ये क्लोज्ड पाथ बन जाता है। ओके, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, यहां पर इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर चलेंगे क्योंकि एन पर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, शॉर्टेज है, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर चलेंगे और करंट पी से एन की ओर चलेगी। अब एक बात और, जहां कहीं भी रेजिस्टेंस होता है वहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और वहां पर फिर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी एनर्जी उनके पास होती है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो खर्च हो जाती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे, और जब ये करंट यहां पर फ्लो करेगी और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करेगी तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्या करेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब चार्ज कैरियर यहां एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, और वो टोटल एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, जो ईएमएफ है इस सेल या बैटरी का, क्या ईएमएफ इस सेल या बैटरी का। तो ईएमएफ का काम क्या होता है कि जब हम कोई सर्किट एलिमेंट को सेल में क्लोज्ड कर देते हैं तो उसको सेल सहित चार्ज को पूरे एक राउंड फ्लो कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ईएमएफ प्रोवाइड करेगा। तो ईएमएफ प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट एज वेल एज इन द इंटरनल सर्किट, मीन्स बाहर के सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, अंदर आयंस को फ्लो करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ईएमएफ प्रोवाइड करता है। तो ईएमएफ प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड फॉर द फ्लो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द इंटरनल सर्किट, मींस इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये रहा आपका ईएमएफ का फंक्शन। तो कोई आपसे कोई पूछे कि बताओ ईएमएफ क्या है, तो आप बोल दोगे ये बैटरी का टोटल खजाना होता है, ये बैटरी का खजाना होता है, और ये एक्सटर्नल सर्किट में और अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज को फ्लो करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ईएमएफ प्रोवाइड करता है। तो ये बैटरी का टोटल खजाना समझ लो उसकी। अब अगली बात ये उठती है, जब चार्ज फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ से यहाँ तक, तो एनर्जी चाहिए उसको, वो एनर्जी ये बैटरी सप्लाई करेगी, उसका ईएमएफ सप्लाई करेगा। तो ये बैटरी कुछ वर्क डन करेगी, वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को फ्लो कराने में। अगर हम ये मान लें कि यहाँ निगेटिव टर्मिनल से 1 कूलम का चार्ज चल रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल में, या हम ऐसा मान लें कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से +1 कूलम का चार्ज चल रहा है, ये निगेटिव टर्मिनल में आया, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ फिर वापस आ गया, तो जितना एक राउंड में वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन जो है इस सेल का ईएमएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईएमएफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट टेस्ट चार्ज को सेल सहित कंप्लीट सर्किट में 1 राउंड फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो सेल का ईएमएफ कहलाता है। तो देखिए दूसरी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग इट अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, मीन्स एक यूनिट चार्ज को सेल सहित कंप्लीट सर्किट में मूव कराने के लिए, मीन्स यहाँ भी मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है बैटरी को वो उस सेल का या बैटरी का ईएमएफ कहलाता है। अब यहाँ कंप्लीट सर्किट का मतलब हो गया दोनों, द सर्किट आउटसाइड द सेल, ये जो सर्किट है, और द सर्किट इनसाइड द सेल, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो ये कंप्लीट। अगर हम मान लें कि क्यों चार्ज को आपने 1 राउंड मूव कराया और टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, डब्लू, ये डब्लू वर्क डन दोनों में है, बाहर के सर्किट में और अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मिला करके टोटल वर्क डन डब्लू हो गया, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो E इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q। यहाँ Q इक्वल टू 1 कूलम ले लो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन
The amount of work done in flowing a unit test charge around the closed circuit, including the cell, is called EMF of the cell. मीन्स यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल सहित पूरे एक सर्किट में एक राउंड मूव कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है. ओके अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल का ईएमएफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और किन पर डिपेंड नहीं करता है, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके okay?